हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वाटर इन एटमॉस्फेयर डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम वाटर वेपर के एटमॉस्फेयर में कितने फॉर्म होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने वीडियो में पहले तो हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, वाटर इन एटमोस्फियर। फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन एटमोस्फियर किन किन फॉर्म में बताया था हमने प्रीवियस वीडियो में? फर्स्ट था ड्यू फ्रोस्ट, फोग या मिस्ट, और फोर्थ था हमारा क्लाउड। आज हम क्लाउड के बारे में स्टडी करेंगे। क्लाउड क्या होते हैं, क्लाउड कैसे बनते हैं, इनके कितने टाइप हैं। क्लाउड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि जो मेन क्लासेस होती हैं, मेन एग्जाम होते हैं आपके अपर लेवल के, यूजीसी नेट, क्लैट, यूपीएससी, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो बार मैंने खुद ने इन क्वेश्चनों को फेस किया है, और ये क्वेश्चन इतने डाउटफुल होते हैं कि इनमें कंफ्यूजन बना रहता है। एक जैसे नाम होते हैं, इनको थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन आप इसको ट्राई करना कि आपके अच्छी तरह से माइंड में सेट हो जाएं। तो हम बात करते हैं क्लाउड के बारे में। फोर्थ फॉर्म है वाटर की क्लाउड। क्लाउड कैसे बनते हैं? क्लाउड इज फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट एंड टीनी आइस क्रिस्टल, फॉर्म बाई कंडेंशन ऑफ वाटर वेपर इन एयर। और क्लाउड कैसे बनते हैं कि इसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं और टीनी आइस क्रिस्टल होते हैं। ये वाटर वेपर के कंडेंशन से बनते हैं। इनको इनके कलर के आधार पे, शेप के आधार पे, इनकी हाइट के आधार पे कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट क्लाउड कौन सा है? साइगस क्लाउड। इसकी हाइट कितनी होती है? इसकी हाइट है 8,000 मीटर से 12,000 मीटर, और ये पंख की तरह दिखाई देते हैं। फ्लिटरी अपीयरेंस मीन जैसे कोई बर्ड का पंख हो गया उसके जैसे हमें दिखाई देते हैं। इनकी हाइट बहुत अधिक होती है, 8,000 से 12,000 मीटर। इतनी अधिक हाइट पे होने के कारण ये बिल्कुल साफ, क्लियर और व्हाइट कलर के होते हैं। इसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे कुमुलस क्लाउड। इनकी हाइट होती है 4,000 मीटर से 7,000 मीटर, इतनी इनकी हाइट होती है। और ये क्लाउड वुलन के जैसे, नरम कपास रुई की जैसे हमें ये दिखाई देगी, बिल्कुल सफेद। इनका कलर किस कैसा होगा? इसका कलर कैसा है? व्हाइट। और ये भी हाइट ज्यादा होने के कारण इसका कलर भी व्हाइट होता है। इनका बेस फ्लैट होता है। इसके बारे में आपको पता चल गया, इसके बारे में पता चल गया।
और ये इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, जो कुमुलस क्लाउड है, हियर एंड देयर फ्लिटर होते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर के क्लाउड की। स्ट्रेटस क्लाउड। थर्ड टाइप है हमारा स्ट्रेटस क्लाउड। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कई सारी परतें होती हैं, स्ट्रेट होती हैं इसमें। इन परतों के कारण इसको स्ट्रेटस क्लाउड्स कहते हैं। और जनरली ये कैसे बनता है, जब अपनी वाटर वेपर हीट लॉस कर देते हैं तो इस क्लाउड का निर्माण होता है, फोम होता है इस क्लाउड का। और जब कोई एक टाइप की एयर मास सेकंड टाइप से मिक्सिंग हो जाती है तब भी इसी क्लाउड का निर्माण होता है। ये हो गया स्ट्रेटस क्लाउड। अब फोर्थ आता है हमारा निम्बस क्लाउड। निम्बस क्लाउड, ये क्लाउड हमारे अर्थ के बहुत नजदीक होता है। सबसे नजदीक क्लाउड निम्बस ही होता है, और नजदीक होने के कारण इसका रंग ब्लैक ब्लैक सा होता है। मीन जो ज्यादा रेनफॉल करते हैं वो निम्बस क्लाउड के कारण ही होती है। और इसका कलर कैसा आ जाएगा, कलर में ब्लैक होंगे, ब्लैक या ग्रे टाइप के। और कई बार तो ये अर्थ के इतने नजदीक आ जाते हैं कि ऐसे लगता है कि ये अर्थ को ही टच कर रहे हैं। ये हमारे निम्बस क्लाउड, और नजदीक होने के कारण डस्ट पार्टिकल के कारण इनका कलर ब्लैक होता है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन कैसे आएगा कि इनको एक क्रम में लगाना होगा, हाइट पे कौन सा है, सेकंड नंबर की हाइट पे कौन सा है, थर्ड पे हाइट पे कौन सा है, और इन क्लाउड के आगे कई पार्ट भी हैं। अभी बताते हैं हम पार्ट के बारे में। ये फोर टाइप के क्लाउड हमने बता दिए, अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। फर्स्ट टाइप है जो हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे हमें कौन सा मिलता है, साइरस क्लाउड। साइरस स्ट्रेटस, साइरस कुमुलस, ये हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं थ्री टाइप के क्लाउड। फिर आएंगे मिडल एल्टीट्यूड पे, मिड एल्टीट्यूड पे। इसमें कौन से आएंगे, इसमें है दो टाइप के बाद क्लाउड, एल्टोस्ट्रेटस और एल्टो कुमुलस। इसमें आगे टू टाइप के क्लाउड, थर्ड में जो लो एल्टीट्यूड पे क्लाउड होंगे वो हम थर्ड लाइन में बताएंगे, जो बिल्कुल नजदीक होंगे। तो बात करते हैं लो एल्टीट्यूड क्लाउड की। जो लो एल्टीट्यूड पे हमें मिलते हैं उनमें से कौन से हैं, स्ट्रेटोकुमुलस, निम्बोस्ट्रेटस। ये लो एल्टीट्यूड पे मिलने वाले टू क्लाउड है। तो हमने
टाइप के क्लाउड को पढ़ लिया है, हाइट के अकॉर्डिंग हाई एल्टीट्यूड के क्लाउड, लो एल्टीट्यूड के क्लाउड, मिड एल्टीट्यूड के क्लाउड। अब करते हैं वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड, जो वर्टिकल रूप में हमें मिलते हैं। वर्टिकल डेवलपमेंट क्लाउड, इसमें कौन से हैं? दो टाइप के, एक तो कुमुलस क्लाउड और सेकंड है निम्बो कुमुलस क्लाउड। ये टू टाइप के क्लाउड है जो हमें वर्टिकल रूप में मिलते हैं। ये क्लाउड का चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम होते हैं, उनमें जो ग्रुप की क्वेश्चन क्लाउड से लिया जाता है, ये क्वेश्चन पक्का इसी क्लाउड में से होगा। या तो इनको सीरीज में लगाना या इनको हाइट के अकॉर्डिंग लगाना, इसी में से क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन दूर करना है तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, और जो कंडेंसेशन के पार्टिकल होते हैं उनको जो ग्रोथ है वो डेवलप होती है, वो बढ़ती जाती है, जिस कारण एक टाइम ऐसा आता है कि जो वाटर वेपर है वो उनका वेट ग्रेविटी के अगेंस्ट होल्ड नहीं कर पाते, और वो वाटर वेपर कंडेंसेशन के कारण अपनी मॉइस्चर लूज कर देते हैं, यही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। प्रेसिपिटेशन मेनली टू रूप में होता है, टू फॉर्म में होता है। फर्स्ट होता है रेनफॉल, रेनफॉल जब कंडेंसेशन के कारण वाटर वेपर अर्थ पे आते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में होता है, कंडेंसेशन के बाद वहां का टेम्परेचर अगर फ्रीजिंग पॉइंट से अबव हो तो हमें वाटर वेपर लिक्विड रूप में मिलेंगे, वाटर रूप के मिलेंगे, तो वह कहलाएगा रेनफॉल। अगर वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो हो, फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो, तो हमें वो एक सॉलिड रूप में मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे स्नोफॉल। स्नोफॉल के रूप में ये हमारी अर्थ पे गिरते हैं। और इसका थर्ड टाइप आ गया, वो है स्लीट। समटाइम क्या होता है कि कंडेंसेशन तो फ्रीजिंग पॉइंट पे अबव रेट पे होती है, अबव टेम्परेचर पे होती है, और जब वो वाटर वेपर अर्थ पे आते हैं वो बर्फ के रूप में आते हैं, बर्फ के मतलब ओले के रूप में आते हैं, जिसको हम सहिम वृष्टि भी बोलते हैं। मीन जैसे कि ये कोल्ड एयर मास होगी, कोल्ड एयर मास, और यहां से वाटर वेपर लिक्विड रूप में गिर रहे हैं, वाटर के रूप में। जब ये कोल्ड एयर मास के संपर्क में आते हैं तो ये फ्रीज हो जाते हैं, और जब ये वापस नीचे जाते हैं तो इनमें से कुछ मेल्टिंग होना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये अर्थ पे गिरते हैं इसमें सम मेल्ट के रूप में होते हैं और सम सॉलिड रूप में होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्लीट। एक होता है हेलस्टॉर्म, मीन जब वाटर वेपर की कंडेंसेशन होती है तो वो अर्थ पे गिरते टाइम कई लेयर से होकर गुजरता है, मीन यहां से गुजर गया, फिर इसके नीचे एक और कोल्ड एयर आ गई,
फिर इसके नीचे एक और, मीन जब ओले गिरेंगे तो इसके ऊपर एक परत के ऊपर एक और परत के ऊपर एक और परत, उसको हम हेल स्टॉर्म बोलेंगे, जिसको हम ओलावृष्टि बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर एक लेयर से ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी हुई होती है, जिसको हम ओला या हेल स्टॉर्म बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रिस्टिपेशन, ये कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, ये मेनली थ्री टाइप में होती है। फर्स्ट आ जाएगा ओरोग्राफिक रेनफॉल, सेकेंड आ जाएगा कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, थर्ड आ जाएगा साइक्लोनिक रेनफॉल। ये इसके थ्री टाइप है, इसको डिस्क्राइब हम आगे की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर पीछे वाले में कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।